पापा लेके बाहर खड़े थे और तो मेरे पापा रुकने लगे थे कि हमारे घर में ना हो, हमें छोड़ दो। तो एक इनके सर पे तो गोली गई, जब मेरे पापा सर मुख ना करते तो सर पे गोली लगती। हमारी कवार तोड़ तोड़ के हमारे घर में बढ़ने लग गए थे बंदूक और गोली लेकर। और तो मेरी चाची का गोली लग गई यहाँ पे। कौन थे ये लोग? जी हमारे आस पड़ोस में रहते थे वे थे। तो ये लोग कौन है ना? ये मैं थी जो पानी भरी थी, मैं अपने भाई को लेकर तुरंत उठ कर भाग गई। अम्मी, चाचा, दादा, तीनों लोगों को काट दिया और जला दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव है। हिंदू किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ता नहीं। देश की जनसंख्या पर नियंत्रण करना आपका सबसे पहला काम है। बोलिए 10 साल बाद और हर पार्टी से वही लड़ेंगे। धरती को नियम पर गूंजा गूंज रहा है, कहो करो से हम हिंदू है, हिंदू बड़ी बात है कि शहर में होते थे दंगे, अभी अपनी बारी है गांव में हुए, बाकायदा प्लान बना के। और ये गुजरात का पूरा बॉर्डर यहाँ है। एक मिनट हो गए। ये जनसमूह मरने शाह को चाणक्य की उपाधि देता है। अब से 6 महीने पहले भाजपा के लोग आए थे, उन्होंने वहाँ तलवार बांटी थी, एक जलसा करा था जी। कहाँ पे? लिसाड़ में। लिसाड़ में जी, और वहाँ तलवार बांटी थी, उसमें कहा था ये तो मुसलमान पाकिस्तान जाओ या कब्रिस्तान जाओ। ये हमारे घर वाले आए थे, इसके बाप इसका बाप भी मार दिया, इसकी माया इसकी मम्मी भी मार दी। जिसके घर पे लड़की हो वो रहता हूँ, जिसके हाथ लगाए उसने वही काम किया। मेरे जेठ को सासू के ऊपर घेर कर जीते में आग लगा। पलंग ना छोटा, पीला ना छोटा, दीवार ना छोटे मेरे दीवार। शादी करनी थी, जेवा धरा था, दो लड़की जवान हुई, चक्की साथ में न उठाकर सब ले गए।
विकास की ओर आगे बढ़ेगा। और आपका उम्मीदवार कौन है? आपका उम्मीदवार कमल का निशान है। कमल का निशान किसके हाथ में है? मोदी के हाथ में। एक तरफ वो लोग हैं जो बहनों के साथ अपमान करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो गाय माता जो हमें दूध देती है उसके साथ अत्याचार करते हैं। बहुत पथरावरी गोली चल रही गुलाम, इस पर खत्ता साथ के ऊपर पथराव गोली चल रही। क्यों दंगे होते हैं? कोई घटना होती है और प्रशासन अपना काम नहीं करता तब जनता को मजबूर होकर माँ बेटियों की इज्जत के लिए रोड पर आना पड़ता है, बाकी दंगा करने का किसी को शौक नहीं है मित्रों। छेड़छाड़ हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं और जो करने वाले हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, उल्टे ही जो शिकायत करने जाता है हिंदू उसी के खिलाफ कार्रवाई होती है। हमें हिंदू परिवार के लड़के नहीं छेड़ेंगे या मुस्लिम के छेड़ेंगे ऐसा कुछ नहीं है। आप हिंदू की बात करें बिरादरी के भी जो भाई बहन अपने बिरादरी के हकीकत है ये, मुसलमान है वो नहीं छेड़ सकता और जो हिंदू है वो सोचता है तू जाट है तू कुछ ही कर, तेरे लिए तो टिकट बना हुआ छेड़ने का। 20% अगर ये रहा जाट आरक्षण का और ये वाला सारा मामला था खाप पंचायतों का मामला था और उनके धड़ाधड़ आते हुए थकले जो थे, बीजेपी ने इसको पकड़ा और इसके साथ साथ जो है वो जो अपने वाला हिंदू छोड़ा वो इसमें छोड़ दिया और इसने छोंक का काम किया इसमें। नारा चला था भारतीय किसान निरंद में, हर हर महादेव कह रहा तो अगले कहता अल्लाह अकबर, अगर वो अल्लाह अकबर कह रहा तो वो कहता हर हर महादेव। तो ये नारा जो है भारतीय किसान निरंद में हमने दिया था, अब वो हर हर महादेव वाले रह गए, हर हर महादेव भी खत्म कर दिया, हर हर मोदी रह गए। दंगा हुआ ना पिछले मतलब 84 में हिंदू मुस्लिम वाला, उस वजह से उनका संगठन मजबूत नहीं रहा तो उन्हें नगर दाब सकते। तो फायदा मिल वालों को हुआ है, यूनियन खत्म हुई, जो भाईचारा था जो समझौता था जो मिलजुल के आपस में अपनी मांगे पूरी करवा रहे थे वो खत्म हो गई। जमींदारा जो है जाटों का है, आज जो है जाट के लड़के इतने ऊपर पहुंच गए कि हम तो 10 हो, चमार के चूड़े के मुसलमान के तो 10 हो और उनका एक हो, वो एक हमें 10 को पीट गया क्योंकि हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं है ना हमारे पास जमीन, ना तो कहीं चमार दुश्मन मोमडन का है ना मोमडन का दुश्मन चमार है। ये गुजर साहब ने लड़ाई उधम सिंह ने जाट और मुसलमान मान्यवर कांचीराम साहब ने हमें कूट कूट के समझा दिया गया है कि हम हिंदू नहीं हैं, तो हम क्यों लड़ाई में आ गया है? अब एक बात तो बताओ, नाचने वाली को तो 3 करोड़ दे रहा मुलायम सिंह, 300 करोड़ और जो है उन्हें 5-5 लाख रुपए दिए मरने वालों के। मुलायम सिंह क्या आपको लगता है उन्होंने मुसलमानों के साथ धोखा किया? हाँ जी बिल्कुल, धोखा धोखेबाज है वो तो, उसका जो है पीला है अंदर बीजेपी का आदमी हो तो। कैसा लगा है वो पीड़ित लोग नहीं है पता लगा लो आप, ये वो लोग हैं जो षड्यंत्रकारी हैं जो बीजेपी और कांग्रेस ने षड्यंत्र किया है। सरकार जो है हम लोगों को ISI का एजेंट बता रही है और अभी 2 दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह उन्होंने ये कहा है कि भाई ये भाजपा ही और कांग्रेस ही है, तो इन लोगों को किसने जिताया? इसके पास एक रफा भी है,
जेरा बिचारी ने दिखा ला डॉक्टर और यू बच्चा बेटा बीमार हो रहा अब इन लोगों पर ऐसे भी रखेंगे 10-10 रुपए देके के बना ले हो सके जे हम तो ये चाहे कि हमारा बच्चा भी कब्र से निकल के जो हमारी गोद में आ जाए ये फोटो लेते हैं उनका जैसे हम हमारे बयान लेंगे हमारा फोटो लेंगे उन्हें मुलजिमों को दिखाएंगे ये हाँ जाटों को दिखाएंगे ये लड़का है किसको पहचानो क्या इस देश में भिखारियों की कमी थी जो हमें और हमारी नस्लों को रोजगार शिक्षा ज्ञान बसेरा देने की बजाय बेसारा और मांगना खाना सिखा दिया किस राजनीति में कोई आ जाए हमें तो इस्तेमाल करे बल्कि मुसलमान ने ये कहना चालू कर दिया कि हमें आलू समझ गया आलू मतलब किसी भी सब्जी में डाल लो वही स्वाद देगा हम तो मिक्सिंग है हमें यही मरना है यही जीना है यही रहना है हमें ऐसे कहीं जाना अगर इनमें हिम्मत है तो यही आकर मार जाओ हमें यही आकर मार बिल्कुल नहीं जाएंगे मौत के मुंह में फेर चले जाए हम बिल्कुल नहीं जा हम अपने माल का मुआवजा चाहिए और हमें छत चाहिए बिल्कुल हम सरकार से ये लड़ाई जरूर लड़ेंगे और इस आम सभा में जो गंदगी की समस्या है उस पर बातचीत करी जा रही है ये जो दंगे करवा कर हम आपस में बांट रहे और इनके चक्कर में लड़ाई लूट रहे जैसे कि मीडिया वाले कह रहे थे कि मोदी की सुनामी आ रही है लहर नहीं सुनामी है वास्तव में मानता हूँ कि ये सुनामी लेकिन इस सुनामी में जो इस प्रवाह में बहगे बहगे ये लोग कमजोर थे जो बह गए हम लोग अपने मन से मजबूत हैं इसलिए अड़े हुए हैं और हमेशा अड़े रहे का अंधेरा मिटाइए सियासत का अंधेरा मिटाइए।